लाऊया देवी के आगे बहरे लाऊया देवी के आगे नाथ जोगिनिया हमरे लंगोरिया देवी के आगे नाथ जोगिनिया खुशी यानी उड़त गोलाल लंगोरिया जात लगाई रहते गाने भैया रहस का जो भक्त था उसने जात लगाई है सर्वानंद है। इधर में भैया जो कंगाल हो गया था लंगर का अब जलने लगा क्यों जमींदारी चली गई वित्त में पुत्र खुशी ब्याह है वो सर्वानंद है रहस का के तो ऐसा तो होता ही है। जलो पापी मन में भैया जलो पापी मन में जन लीलो भक्त गिराए से हमारो तन में निकला जिसने विश्वासघात किया धन दौलत के लिए इंसान की जान ले ली लंगर खाने करी घटी आई भक्त सिखा तो मरवाई भक्त रहे सिखा तो मरवाई रहे वो वन में अकेला पड़ा है बेचारा अरे तड़पे रहे वो वन में जन लीन भक्त गिराए से लमारो तन में हो जन लीन भक्त गिराए से लमारो तन में अब क्या होता भैया जब किसी ने बताया कि तुम्हारे पति का वध कर दिया किसी ने खत्म कर डाला उनकी घरवाली रेस्ता की डकरात हुई आज घबरात हुई चली जा रही है ठकुराली ने जब सुन पाई ठकुरानी ने जब सुन पाई संग लाल ले रोवती आई आज रोती हुई चली आ रही अपने पुत्रों के साथ संग लाल ले रोवती आई उठी रही मन में भैया बिना पति के पत्नी कुछ नहीं है उठी रही मन में जाने लीनो भक्त घिराए से लमारो तन में हो जाने लीनो भक्त घिराए से लमारो तन में हो
ओत्र उनकी घरवाली आज रोती हूँ आकर के भैया पचार खा के गिर पड़ी। क्या हुआ? अरे खाई पचार गिरी ठाकुरा। स्वामी क्या किया आपने? तो पुत्र को मैं कैसे पालूंगी? बिना पति के कुछ नहीं है। जय किशन वर्मा जी बनाते हुए जा रहे। आज बिलकने लगी है दैया की तरह। बिलक है रे माता तारा मेरे छैया। स्वामी कोई अब मेरी रे धीरा धारा भाई क्या? आज हाथ वैस का की पड़ी है दम वाले और उनकी घरवाली सब रो रहे हैं। रोई रोई कहता था माती रे लारे सांगई प्यारे प्रारता देवी जाने जिता दाई ये बाला भाई भाई। परमात्मा जी क्या रच डाला। अब तो गांव वालों ने कहा ऐसे रोने से कुछ नहीं होता है, रोने से क्या आ जाएगा जी, मत पागल बनो। आश्चर्यता बनाने लगी सती पति संग है गई वो पति चिता बनाई चिता में अग्नि दी। आज पति की भूख नहीं डटी उस नारी के पतिव्रता नारी की वो ठकुरानी आज पति के साथ ही सती हो जाती है। भैया क्या होता है जैसे ही आज मैया ने देखा कि मेरे भक्त को धोखे से मरवाया उसकी पति पत्नी भी पति के साथ सती हो गई। छोड़ूंगी नहीं मैं नाश कर दूंगी सब रहना गांव का और लंगर खा कुल का। क्या करती है भैया? अरे बिचारी मैया ना हर मारी अपनी दीनी कला जगाए चुप करो लंगर खा कुल पे सबको दीनो ना सकरा बंद नारन की है गई घर दीनी राण बना। तड़प रही है बेटन को और पतन को कामिनी नाथ पूरा नंगर उजर है गौ भैया सुनियो ध्यान लगा हकत के हमारे अंदर नाथ को मैया के पास समझा और बढ़ावे जंजालन को झगड़े कहता दे रह जा अब आगे तू कतार बढ़ रही पंचो सुनियो ध्यान लगा। मैया रहना वाली का कोप जगा क्रोध में आकर के पूरे गांव को टैश नैश कर दिया।
विधवा बना दी और पुत्रों के लिए नारी तरफ माताएं तड़पने लगी हैं। जो लंगर खा कुल को सबका नाश कर दिया, अब तो भयभीत नर नारी हो जाते हैं, कोई मैया के पास नहीं जाता है तो सबको खत्म कर देगी। भैया क्या हुआ? धीरे 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 सोचने लगे सब, अब क्या किया जाए, कैसे मैया को शांत करें, क्या होता है। विप्र चतुर जन आई कह रही है सलामत आई, थरा गावती भक्त के लिए कुल पुरोहित बुलवाई। अच्छे विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि मैया शांत रहना वाली हो सकती है, लेकिन इनके थरा गांव में रहते हैं कुल पुरोहित रेस का भक्त के, तो मैया शांत अवश्य हो सकती है। आहा, जाकर के आहा उनको ले आए कुल पुरोहित को, शांति करने लगे और क्या होता है, ए कुल पुरोहित फिर आई के अरे मेरे भाई जा भजन करने लगे, पूजा पाठ हवन करने लगे हैं शांति करने के लिए। आओ देवी मनाई ध्वजा मना लिया तो देवी भी मान गई और खुश हो गई। आज जाप लगवाने लगे हैं और लालपुर गांव के बाबा रहते थे कौन, सुनिए फिर क्या था? दीनी यज्ञ रचाई, दीनी यज्ञ रचाई पास में ही पड़ते हैं संगम नगरता गोलीपुरा जुगईपुरा हरकंदापुरा करका थेली और लालपुर सब जैसेपुर वगैरह, वहां के बाबा के बाद ब्रह्मचारी आकर के उन्होंने रहना गम यहाँ। अब तो स्थान में मैया रहना वाले तो बहुत पीछे आई, मैं उसको भी बताऊंगा कब आई। दीनी रचाने लगे हैं, हवन कर रहे, भागवत बैठी हुई है, आई मित्र लालपुर भारी। आज जो भागवत बात रहे थे वो भी लालपुर के ही पंडित जी महाराज थे, वो कथा बात बांट रहे थे, बांटे कथा करे भंडारी। अरे नारे नर प्रहर बाबा
मैया हो तो ऐसी बहुत अच्छी माँ है, सर्वानंद है, बड़ी कृपा दयालु है। दर्शन करने के लिए नर नारी है आने लगे हैं, भीड़ होने लगी तमाम। मेरे प्रिय सज्जनों, हवन यज्ञ होने लगे हैं, सर्वानंद हैं। और आगे क्या होता है, फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया मेरे प्रिय सज्जनों। उनके बाद में पीछे फिर किन महात्माओं ने और उनकी तपस्या की, सेवा की, सुनिए। अरे नारायण गिरे ब्रह्मचारी के बाद में नारायण देव बाबा आए रहना गांव में। नारायण ए नारायण गिरे हे गाए रे भैया, फिर ए गाए भारी संगति। रहना गांव में मैया रहना वाली की पूजा नारायण देव बाबा करने लगे। और देखिए ज्यादा भीड़ भाड़ होने लगी, जगह की बहुत कमी थी वहां, तो उन्होंने क्या किया, रहना गांव से मैया को कब पधराया गया, जो अब मंदिर है वहां कब उनकी मूर्ति को लाया गया, सुनिए। 2011 सदी वार अमावस्या रात मंदिर को निर्माण करे फिर पधराई मात। आज मेरे प्रिय सज्जनों, सम्मत 2011 को मैया को इस मंदिर में लाया गया, यहाँ पधराई गई। पीलुआ के नीचे उनका स्थान है, पीली को कोई काट नहीं सकता है, मैया का यही वचन था। अब तो मेरे प्रिय सज्जनों आ जाइए, सब नर नारी जुड़ मिल करके और मैया की भेंट गा रहे, कैसे क्या होता है। अरे लाला घमरिया मैया, अरे लाला घमरिया मैया, लालई परिया तो मामे देखो कजबे राबिये हो माय थी। रहना गांव का इसी प्रकार से जैसे करौली वाली बोलते हैं करौली गांव में थी, इसी प्रकार से रहना वाली इनका नाम पड़ा। इस प्रकार से हमने जीवन कथा सुनाई और सब जोतियां लांग कैसे गा रहे भैया मैया की भेंट सुना।